हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश सेक्रेटरीट क्लर्क एग्ज़ाम 2022 के बारे में। तो दोस्तों, इसका जो हिमाचल जीके का पार्ट है उससे रिलेटेड जो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है वो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ऐसा नहीं है कि ये जो क्वेश्चन है सिर्फ इसी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, ये जो मैंने क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं वो पिछले जो भी क्वेश्चन पेपर्स हैं उनमें से कलेक्ट किए हैं, चाहे वो आपका पटवारी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका जेओए का एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, ये जो आप वीडियो देख रहे हो इससे रिलेटेड जो क्विज़ है वो टेलीग्राम ग्रुप में शाम 8 बजे ऑर्गेनाइज करवाई जाएगी, तो आपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन होना है। दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, हिमाचल के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? हिमाचल के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपने माइंड में रखना है। यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, न्यायमूर्ति टी बी टाटाचारी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी इज राइट। हिमाचल के प्रथम लोकायुक्त कौन थे, न्यायमूर्ति टी बी टाटाचारी। आगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हिमाचल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दोस्तों, इस क्वेश्चन को लेकर मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स हैं वह कंफ्यूज रहते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, हिमाचल की सबसे लंबी नदी है सतलुज, लेकिन अगर हम सबसे बड़ी नदी की बात करें जिसका जल घनत्व सबसे ज्यादा है तो आंसर आ जाएगा चिनाब नदी। क्या आंसर आएगा, चिनाब। आगे दोस्तों, अमृता शेरगिल कौन थी? तो दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमृता शेरगिल कौन थी? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो अमृता शेरगिल थी वो हिमाचल की सुप्रसिद्ध चित्रकार थी, तो आंसर क्या आएगा, चित्रकार। आगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, हिमाचल का सबसे ऊंचा पुल कौन से ज़िले में स्थित है? हिमाचल का सबसे ऊंचा जो पुल है वो कौन से ज़िले में स्थित है? तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, हिमाचल का सबसे ऊंचा जो पुल है वो बिलासपुर ज़िले में स्थित है। पुल का जो नाम है वो आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्योंकि मुझे उम्मीद है मैक्सिमम कैंडिडेट्स को पता होगा। आगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है, हिमाचल का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला ज़िला कौन सा है? हिमाचल का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला ज़िला कौन सा है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा, हमीरपुर। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे ज़्यादा है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1954 में हिमाचल का पाँचवा ज़िला कौन सा बना था? 1954 में हिमाचल का पाँचवा ज़िला कौन सा बना था? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, राइट आंसर क्या आएगा, बिलासपुर। ये जो क्वेश्चन है इसको भी आपने अपनी कॉपी के ऊपर 100% लिखना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस जिले पर आक्रमण संसार चंद के पतन का कारण बना था? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो राजा संसार चंद थे उन्होंने जब बिलासपुर पर आक्रमण किया उसी के बाद उनका जो पतन है वो शुरू हो गया। राइट आंसर क्या रहेगा, बिलासपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, भूरी सिंह संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, आपको पता होगा इसका आंसर, भूरी सिंह संग्रहालय चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में पहला पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया? एचपी में पहला पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया? दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा, 1968 में एचपी का पहला पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है, शिमला नगर निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? शिमला नगर निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर इज 1852। क्या आंसर रहेगा, 1852, आपने अपने माइंड में रखना है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रदेश में जमींदारी प्रथा का अंत कब हुआ था? जहाँ हम यूँ कह लें, हिमाचल प्रदेश में जमींदारी प्रथा का अंत कब हुआ था? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है मैं आपको बता दूं, 1954-55, लेकिन ये जो आपका प्रोसेस है वो 1945 से शुरू हुआ था। ये जो आपके जमींदार प्रथा को ख़त्म करने का जो प्रोसेस है 1945 में शुरू हुआ था, लेकिन जो आपका ये जो प्रोसेस है वो कब कंप्लीट हुआ, 1954-55 में। आगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, हिमाचल प्रदेश को पूरा राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? इसका जो आंसर है आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है, मैक्सिमम कैंडिडेट्स को इसका आंसर पता होगा। आगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 है, कांगड़ा किले का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? कांगड़ा किले का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, राइट आंसर रहेगा, सुशर्मा चंद ने। किसने करवाया था, सुशर्मा चंद ने। आगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा हमारा, चंबा नगर का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन सा था? चंबा नगर की स्थापना किसने करी थी? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आएगा साहिल बर्मन। चंबा नगर की स्थापना किसने करी थी, प्यारे दोस्तों, साहिल बर्मन ने। आगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है?
केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा शिमला में। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान हिमाचल प्रदेश के शिमला डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। आगे दोस्तों हमारा क्वेश्चन 16, संजोली की संधि कब हुई? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, 28 नवंबर 1815। राइट ऑप्शन इज 28 नवंबर 1815। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉपीज के ऊपर आपने नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, मंडी आंदोलन कब हुआ? तो प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा, 1909 से लेकर 1910 तक। ठीक है दोस्तों, 1909 से लेकर 1910 तक ये जो आपका मंडी आंदोलन है वो हुआ था। आगे दोस्तों क्वेश्चन है, मंडी स्टेट एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या आएगा हमारा, स्वामी पूर्णानंद ने मंडी स्टेट एसोसिएशन की स्थापना करी थी। तो दोस्तों आपने माइंड में रखना है। आगे है, नारगू सेंचुरी किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसका जो राइट आंसर है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट रहेगा। आगे लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजा केहरी सिंह हिमाचल के किस राज्य के राजा थे? मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो हमारे ज़िले हैं पहले इन्हीं ज़िलों में से रियासतें बनाई गई थी, ये जो ज़िले हैं वो तो हमारे बाद में बने। तो इसी तरह से जो हमारा रामपुर शहर राज्य था उसके राजा कौन थे, केहरी सिंह। दोस्तों उम्मीद है क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगे होंगे और ये भी उम्मीद है आपने क्वेश्चन को अपनी कॉपीज के ऊपर भी नोट किया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना ना भूले। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।